बुलारे बोल चुके हैं, उन्होंने हमारी एआई फैक्ट्रियों की डिमांड और केंद्र सरकार के साथ चल रही बातचीत का ब्यौरा दिया है। दोस्तों, मैं पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से देश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी दोस्तों को सरकारों की हायर एजुकेशन की जो नीति है उसके बारे में कुछ हमारे पंजाब स्टेट के बारे में बोलना चाहता हूं। पंजाब सरकार हायर एजुकेशन को हमारे जो ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े घराने हैं, बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग आई रिक्वेस्टेड यू ऑल नॉट टू टेक फोटोग्राफ्स व्हेन द मीटिंग विल बी ऑन। सो सर प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन, दिस इज गोइंग टू सेंड अ वेरी रॉन्ग सिग्नल अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द मूवमेंट एंड आवर एटीट्यूड। सो प्लीज सर, मैं बात कर रहा था कि पंजाब की सरकार हायर एजुकेशन के बारे में कितनी चिंतित है कि हमारे जो हायर एजुकेशन के अधारे हैं, चाहे वो कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में जल्दी में छूट रही है और बड़े पदर पर पंजाब के जमीन पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो खोले जा रहे हैं वो आम लोगों को हायर एजुकेशन से दूर ले जाने के लिए एक उपराला किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पंजाब के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मैं उनकी एक एग्जांपल देकर आपको बात आगे ले जाना चाहूँगा कि हमारे 1873 टीचर रेगुलर टीचर्स की पोस्ट हैं, जिन पे सिर्फ 500 रेगुलर टीचर काम कर रहा है, ओनली 500। तो तकरीबन 1300 टीचर्स की पोस्ट हमारे पंजाब में खाली पड़ी है और ये पोस्ट पिछले 2 या 3 साल से खाली चली आ रही है। तो सरकार को जब भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारे कॉलेज की पोस्टें फिलअप करो, हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाओ, तो उनका जवाब होता है कि सोचेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज जो हमारी जो स्थिति बनी है, हम जहाँ कोर्ट अरेस्ट के लिए आए हैं, ये सभी सरकारों का ऐसा दस्तूर है जो हायर एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दे रही। उनकी जो एजेंडे में बात है वो तो मन की बात करने तक ही सीमित होकर रह गई, हायर एजुकेशन को तो उन्होंने तिलांजलि दे दी है। तो आज हम बड़ी दृढ़ता से जहां हैं, और केंद्र सरकार को मैं पिछली बार भी बोला था कि अगर वो हमारा सब्र की परख कर रहे हैं कि हम जेलों में जाने के लिए भी तैयार हैं, और आज हम जेल भरो आंदोलन के तहत जहां पे हैं, तो केंद्र सरकार ये मत भूले कि एआई फैक्ट्रो का एक लंबा इतिहास है। एआई फैक्ट्रो कभी भी झुकी नहीं, और एआई फैक्ट्रो ने लंबे संघर्ष के बाद टीचर की डिग्निटी को मेंटेन किया है और टीचर के संघर्ष को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, हम सभी लोग साथ मिलकर यूनिटी के साथ आगे बढ़े तो ये आज की सरकार की नींद को भी हम तोड़ पाएंगे। तो मैं अपने इस भाषण के जरिए अपनी बात खत्म करता हुआ फिर मैं हमारे जो दोस्त बाहर खड़े हुए हैं उनको एक बेनती करूंगा कि मैं एक नारा लगाने जा रहा हूं, ताकि हम केंद्र सरकार के कानों तक अपनी आवाज बचाएं। मेरी आवाज से आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। एआई फैक्ट्रो जिंदाबाद, एआई फैक्ट्रो जिंदाबाद, एआई फैक्ट्रो जिंदाबाद।
ड्यूटी जिंदाबाद हेडकुटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।